में आपका स्वागत करता हूँ। केशवपुरम जोन के अंतर्गत भारत नगर वार्ड इलाके में शक्ति अपार्टमेंट के अंदर एमसीडी दस्ते ने एक फ्लैट का डिमोलिशन करना पड़ा भारी। फ्लैट मालिक ने एमसीडी अधिकारियों का किया विरोध। पीड़ित परिवार का आरोप बिना ऑर्डर नोटिस के ही डिमोलिशन करने पहुंचा। एमसीडी का दस्ता गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया फ्लैट। पीड़ित का आरोप है कि हमने शिकायतकर्ता के खिलाफ भी संबंधित विभाग को लिखित शिकायत दे रखी है, लेकिन हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। इसका मतलब यह है कि प्रशासन मिला हुआ है, जबकि कोर्ट में हमें राहत 31 तारीख तक मिल चुकी है। केशवपुरम जोन के अंतर्गत भारत नगर वार्ड इलाके में शक्ति अपार्टमेंट के अंदर एमसीडी दस्ते ने एक फ्लैट का डिमोलिशन करना पड़ा भारी। फ्लैट मालिक ने एमसीडी अधिकारियों का किया विरोध। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बिना ऑर्डर नोटिस के ही डिमोलिशन करने पहुंचा एमसीडी का दस्ता और गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है फ्लैट। पीड़ित का आरोप है कि हमने शिकायतकर्ता के खिलाफ भी संबंधित विभाग को लिखित शिकायत दे रखी है, लेकिन हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही। इसका मतलब है कि प्रशासन मिला हुआ है, जबकि कोर्ट से हमें राहत 31 तारीख तक मिल चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि शक्ति अपार्टमेंट में अवैध रूप से बनी बिल्डिंग्स व फ्लैट्स पर शासन प्रशासन की नज़र ना होने और एक ही फ्लैट को बार बार एमसीडी द्वारा डिमोलिशन करना कहीं ना कहीं अब शासन प्रशासन के खिलाफ कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहा है। मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। ये सर मेरे साले साहब का फ्लैट है। इसके लिए हमारे को डेमोलिशन का ऑर्डर आया था। हमारे को डेमोलिशन करने के लिए बुला के आपने अनऑथराइज बना रखे। हमने अनऑथराइज इसलिए बनवा लिया था कि हमने अभी खरीदा और हमारे को ये आइडिया था कि सबके यहाँ पे थोड़े इंक्रोच्ड हैं, इसी उस पर हमने भी खरीद लिया फ्लैट। और हमारे को ये बोला गया बाद में एमसीडी के नीचे जो कंप्लेनेंट्स हैं वो रोज़ कंप्लेंट करते थे कि आपका इंक्रोच्ड है, आप ऊपर एक फ्लोर और मत बनाओ, ऐसे मत डिवेट करो, वैसे मत करो। हमने एग्री कर ली उनकी बात। रोज़ किसी ना किसी बात पे कोई शर्त रखते थे, आप हमारा ये काम करवा दो तो हम आपको ये करने देंगे, हमारा मोटर का था चेंज करवा दो, हमारी सबमर्सिबल लगवा दो। रोज़ छोटी छोटी चीज़ें सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके बन देने का ठीक है अपना मकान बनाना बना लेते हैं। दो बार तीन बार चार बार एमसीडी से लोग आ चुके हैं हमारे पास में। तीन बार यहाँ पे डेमो, तीन बार हो चुकी, चार बार चौथी बार डेमोलिशन के लिए आए एमसीडी वाले। जब तीन बार आ चुके, डेमोलिशन हो चुका, आखिरी में परेशान होकर हमने एटीएमसीडी में अपेलेट ट्रिब्यूनल में इसके लिए अपील डाली कि हमारी डेमोलिशन, हमने सीलिंग और किसी चीज के लिए नहीं अपील डाली, हमने ये डाली कि हम डेमोलिशन अपना आप करेंगे, क्योंकि तीन बार वो तोड़कर गए हैं, सेटिस्फैक्ट्री तोड़ के नहीं जाते और हर बार आके पैसे मांग लेते हैं कि जी हमने आपके डेमोलिश करा, हमारे को उसके पैसे चाहिए, 20-30-40 हज़ार रुपए का अपना बिल बना लेते हैं। आरडब्ल्यूए से हम कोशिश करते हैं कि आरडब्ल्यूए बीच में इन्वॉल्व हो कुछ, कोई नहीं आता बीच में, किसी का कोई मतलब नहीं है। क्यों आ इसलिए नहीं रहे क्योंकि सबके इनक्रोच्ड है। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में हम गए, 19 तारीख को हमारी अपील फ्रेश फाइल हुई, 19 तारीख को कोर्ट ने इनको नोटिस कर दिए एमसीडी वालों को। शॉर्ट डेट हमने खुद मांगी कि सर बीच में प्रॉब्लम ना आए, शॉर्ट डेट लेके हमने 24 तारीख की डेट ली। 24 तारीख को एमसीडी से यही साहब आए, यही साहब को डायरेक्शन मिली कोर्ट से, यही साहब को कोर्ट ने पूछा कि क्या चल रहा है, आपने ऊपर वाला फ्लोर जो है टॉप फ्लोर है वो साफ कर दिया, हमने अपनी तरफ से वहाँ पे हाँ भरी है, फोटोज दिखाई है, कोर्ट मानी है इस बात को, कोर्ट ने कहा ठीक है आपने टॉप फ्लोर हटा दिया, थर्ड फ्लोर पे जो डिवेशंस हो रखे हैं उसकी इंस्पेक्शन के लिए एमसीडी से यही साहब आएंगे इंस्पेक्शन के लिए। उन्होंने डेट मांगी 31 तारीख की, 31 में भी 5 दिन 6 दिन बच रहे हैं। कल हमारी डेट थी 24 तारीख की, कल ही हमारे को ऑर्डर मिला कि 31 तारीख को इंस्पेक्शन आएगी और अगली डेट हमारी 25 जुलाई की। इस बीच में 31 तारीख तक हमारे पास टाइम था कि हम अपना डेमोलिशन खुद करें। आज सुबह सुबह 9:30 बजे सरप्राइज विजिट पे यहाँ 20-50 एमसीडी वाले आ गए, अपना रैंडम औजार लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। हमारे को कोई आइडिया नहीं किस लिए है किस लिए नहीं है। यहाँ पे सर नीचे वाला फ्लैट बुक है, ऊपर वाला फ्लैट बुक है, तीनों फ्लोर बुक है, सिर्फ और सिर्फ 118 के लिए एक्शन क्यों हो रहे हैं सारे? अगर एक्शन होने हैं ठीक है, हम अनऑथराइज बना रहे हैं, अच्छी बात है, आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तोड़ रहे हो, सबकी तोड़ो आप, सिर्फ और सिर्फ हमारी तोड़ रहे हो। अगर ठीक है हमारी तोड़ रहे हो, हम खुद रेडी है तोड़ने के लिए, हम कह रहे हैं हम अपने हाथ में हथौड़ा दो हम अपना तोड़ेंगे, आप हमारे को टाइम तो दो। हम ऊपर का फ्लोर हमने साफ कर दिया 25 तारीख का, हमारे को 31 तारीख का जो इंस्पेक्शन का डेटा वहां तक तो आप वेट कर सकते हो। इंस्पेक्शन करो आप, आज भी आप आए हो, टीम लेकर आए हो, आप इंस्पेक्ट करो, हमारे को रिपोर्ट दो क्या क्या तोड़ना है, हम अपने आप तोड़ेंगे। अब आखिरी में जब हमने थोड़ा शोर शराबा मचाया है, ऑर्डर्स मांगे, कोई इनके पास ऑर्डर नहीं है डेमोलिशन का। हमारे ये सर इनके पास 3 तारीख का ऑर्डर है, जो इनके पास 3 तारीख का जिसके अगेंस्ट ये
ये 3 मई का ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट डेमोलिशन कर चुका ऑलरेडी। लेकिन मेरी जो उनसे पर्सनल बात है, ऑर्डर है हमारे पास। ऑर्डर है तो दिखा दें, पुलिस को भी ऑर्डर दिखाना चाहिए ना। कोर्ट मांगे, पुलिस को ऑर्डर मांगे, कोई ऑर्डर ही नहीं है मेरे पास। सर मैंने 24 तारीख को कोर्ट में अपील करी थी, ये मेरा अपील का लेटर है। मैंने 24 तारीख को कोर्ट में अपील करी थी, कोर्ट ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए इनको भी और हमारे को भी, आप ऊपर का हिस्सा साफ कर लो। और हमने ये भी कहा जो और भी हमारा कोई अंतराइज है आप डिमार्केशन कर दो, हम खुद ही तोड़ लें। आपको कुल मिला के लगता है कि कोर्ट की अवहेलना की गई? बिल्कुल जी, कंटेम्प्ट कोर्ट कही गई है। प्लस हमारे को सर अननेसेसरी हैरेस करा गया, हमारे बच्चों को सर, और ये कंप्लेंटर के साथ मिलकर हमारे को परेशान कर रहे हैं। प्लस इन्होंने गुंडे भेजे यहाँ पे, कंप्लेंटर ने जो बबीता त्यागी और देवेंद्र त्यागी, उन्होंने 22 गुंडे भेजे जिसके मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसकी ऑडियो क्लिपिंग्स मैंने संजय अरोड़ा सीपी सर, लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक जी, डीसीपी जितेंद्र मीना जी और प्लस SHO भारतनगर सबको प्रोवाइड करी गई है, कंप्लेंट भी दी गई है, सब कुछ करा गया है। इन्होंने हमारे नीचे डॉक्टर साहब हैं उन पर भी अननेसेसरी प्रेशर बनाने की कोशिश करी थी कि उनके हॉस्पिटल में उनकी ट्रेस पासिंग इन्होंने करी थी, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। इनका दबदबा इस तरीके का,